महादेव बेटिंग सट्टा ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिनमें शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास के नाम भी शामिल है। ईडी की चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर के लिए भारत में कुरियर का काम करता था। इसके ठिकानों से हाल ही में रेड कर करीब 5.39 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, जिस पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री का मतलब कभी मुख्यमंत्री नहीं था, उनके लिए इसका मतलब भ्रष्ट मंत्री था। अब सवाल ये है कि आखिर भूपेश बघेल ने आगे पैसा किसे दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि पहले ये तो साबित करे कि पैसा भूपेश बघेल को मिला है, मनी ट्रेल कहाँ है, नगद पैसा तो असीम दास के यहाँ मिला। अब जो खुद आरोपी हो गया है उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा बयान दिया, क्योंकि उसने स्वयं कहा कि मुझ पर दबाव डालकर बयान दिलाया गया। तो पहले दिन से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में केवल गोबर घोटाला, गोथान घोटाला, डीएमएफ घोटाला, पीएससी घोटाला नहीं, शराब घोटाला ही नहीं, बल्कि सट्टा के घोटाले में भी महादेव के नाम को भी नहीं बख्शा गया है। किस प्रकार से लोगों ने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए और वो पैसे चुनावों में और कांग्रेस पार्टी के खर्च के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिए गए थे, इसके कई सारे वक्तव्य भी सामने आ चुके हैं और आज तो प्रमाणित हो चुका है कि ये पैसा भूपेश बघेल को दिया गया। सवाल तो ये बनता है कि भूपेश बघेल जी ने ये पैसा आगे किसको दिया, ये तो स्थापित करें कि